मेरे भाई ने सेवन कर लिया था उसका, तो उसकी तबीयत ख़राब होने के कारण यहाँ हॉस्पिटल आने के बाद हम लोग रीवा के लिए रेफर कर दिया उसको कर दिया, मगर ऑक्सीजन आधा देने के कारण उसकी डेथ हो गई रास्ते में सकरिया के पास। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, क्या करें हम लोग? अब ऑक्सीजन की वजह से हुआ है, मेरा तो एक ही भाई था ना, मैं क्या करूँ अब, किससे क्या बोलूँ बताइए आप लोग। कोई सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में, हम लोग मर गया मेरा भाई, क्या करें बताइए। सिलेंडर दिया गया था हॉस्पिटल से, दिया था ये पन्ना से, खाली ऑक्सीजन था, और सकरिया से यहाँ से 20 किलोमीटर जाने के बाद उसकी डेथ हो गई। और किन लोगों ने रेफर किया था यहाँ से? डॉक्टर साहब ने रेफर किया था यहाँ से रीवा के लिए, और ऑक्सीजन बोला था कि भरा है, मगर वो खाली दिया गया था। अगर सिलेंडर भरा होता तो आज तो चले जाते हो हॉस्पिटल तक, मतलब ये हादसा ना होता आज। हम लोग क्या करें बताइए, शासन से क्या करें हम लोग? इसमें किसकी जवाबदारी है? इसमें जवाबदारी हॉस्पिटल की है, हॉस्पिटल की लापरवाही होते हुए। और यहाँ पे वो बदतमीजी कर रहा था हमारे यहाँ मेरे भाई से, उसकी वीडियो बना के रखी है, और रात में ड्रिंक में था वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोनू यादव, मैं उसका भाई हूँ, उसका चाचा का लड़का, मोहन निवास से हैं हम लोग। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।